दोस्तों, जब YouTube के बारे में काफी लोग नहीं जानते थे उस टाइम में जिन जिन लोगों ने YouTube पे काम किया, अच्छे वीडियोस बनाए, क्वालिटी वीडियोस डाली, वो लोग आज कहीं ना कहीं YouTube के टॉप पे है और ये बात मानने वाली है और आप सभी बात को जानते हो। ठीक उसी तरह आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यार मैं वहाँ पे बिल्कुल नया था और ये प्लेटफॉर्म अभी जस्ट एक महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और यकीन मानो अगर आज के टाइम में इसको आपने ज्वाइन नहीं किया, इस पे काम नहीं किया, तो आने वाले 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल यूट्यूब की तरह हो जाएगा, जहाँ पे आप काम करके भी, टैलेंट होने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं कमा पाओगे। मैं बिल्कुल नया था यार इस प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पे मतलब मैंने पहली बार ही देखा इसको और इस पे काम किया, तो यार यकीन मानो मैंने पिछले 22 से 25 दिन के अंदर इस प्लेटफॉर्म से 85,000 रुपये की अर्निंग की है, जो कि मेरे बैंक अकाउंट का जो प्रूफ है वो मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आप सब कहीं ना कहीं वो प्रूफ देख पाओ और आप लोगों को भरोसा हो पाए कि जो बात कह रहा है भाई वो बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसीलिए यार अगर आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो पूरा देखो और ज्वाइन करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है और यकीन मानो एक टाइम आएगा जब सिर्फ और सिर्फ इसका ही क्रेज होगा, हर बंदा इसका वीडियो डाल रहा होगा यूट्यूब पे और ये बात मानने वाली है। दोस्तों अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं भाई तू इतनी अर्निंग कर रहा है तो यूट्यूब पे क्यों डाल रहा है वीडियो, तू तो कहीं और होता है, कुछ और करता। यार ये बात सिर्फ वो लोग बोलते हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, बड़े बड़े मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं वो लोग भी आज के टाइम में यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ये बात बहुत सिंपल सी है। दोस्तों दूसरी बात ये कि मैं भी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मैंने खुद इस काम को पार्ट टाइम में किया है, यानी कि रोज़ के 2-4 घंटे देखिए मैं इसको सिर्फ मैनेज करता हूँ, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं होता है, बट फिर भी इतनी अर्निंग की है मैंने। तो यार सिंपल सी बात है, जब मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल नया, मैंने पहली बार देखा था इसको, तो इतनी अर्निंग कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और इसीलिए मैंने इस बार प्लानिंग किया है, मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना के तरीके बता रहा हूँ, ताकि आप लोग लेट ना हो पाओ, आप लोग सही टाइम पे अर्निंग कर लो, आप लोग की भी कुछ ना कुछ अच्छी खासी इनकम इससे बन जाए और आप लोग भी पैसे कमा पाओ। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है निकम मिश्रा और आप देख रहे हैं MG Tech, चलिए हम देखते हैं बाकी चीज़ों को। तो चलो यार मैं आपको दिखा देता हूँ पहले अपने बैंक अकाउंट का प्रूफ, जो कि लगभग 85,000 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है और मेरे अकाउंट में कितना आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन SBI आप सबके सामने मैं ओपन कर लेता हूँ, ऑनलाइन SBI जो कि स्टेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने ऑनलाइन SBI के अकाउंट में जो है लॉगिन कर लिया है और मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे डेट देखिए 9 सितंबर 2018, और ये देखिए आज के टाइम जो है डेट मेरे फ़ोन में देख पा रहे हो आप, 9 सितंबर है। तो आज का ही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको मैं प्रूफ पहले दिखा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने अकाउंट समरी में, और अकाउंट समरी में चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये मेरा अकाउंट नंबर, यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे और आपको सब कुछ दिखाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए देखिए ये मेरा जो है लास्ट 10 ट्रांजेक्शन मेरे ऑनलाइन SBI अकाउंट का जो है यहाँ पे आ चुका है, और यही वो मेरा अकाउंट है जिसको कि मैंने लिंक किया हुआ है अपने उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ से कि मेरी इतनी अर्निंग हो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले तो पहले मैं आपको उसको जरूरी चीज़ दिखा देता हूँ, रुकिए यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट, हम चलते हैं क्रेडिट पे क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा आया है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, लास्ट 7 ट्रांजेक्शन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 16,554 रुपये का जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्रेडिट हुआ हुआ है, ये देखिए तो ये मेरे अकाउंट में यहाँ पे आए हुए आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये देखिए बाय ट्रांसफर NEFT SDFC ये अकाउंट नंबर है, फैसनियर टेक्नोलॉजी, अगर आप ध्यान से देख पाओ यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जो पैसा आया है वो 4 सितंबर को आया हुआ है और आज तारीख कितना है 9, यानी कि 5 दिन पहले, क्योंकि यहाँ पे हर ट्यूसडे को जो यहाँ से पैसा आपके अकाउंट में आता है, जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हर ट्यूसडे को आपको जितनी अर्निंग हो रही है वो आपके अकाउंट में रेगुलर जो है आता रहता है। एक दिन में सारा नहीं आता, यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है, सारा का सारा नहीं आता है, लेकिन आपकी 20-25,000 रुपये तक की अर्निंग जो है वो आती रहती है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो फैसनियर टेक्नोलॉजी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 16,554 रुपये, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने जगह चलता हूँ फैसनियर टेक्नोलॉजी जो कि ये मीशो ऐप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए जब आप यहाँ पे आओगे मीशो ऐप में, तो ये आपको देखोगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे मीशो बैंक डिटेल्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि मीशो जो है उसका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ क्या है, एक बार आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख चलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है फैसनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और HDFC बैंक है, और उनका एक अकाउंट नंबर है लास्ट में 735 है। तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार कन्फर्मेशन करवा देता हूँ आपको, ताकि मैं आप लोग कोई डाउट ना हो। ये देखिए बाय NEFT HDFC बैंक लास्ट में 527 है फैसनियर टेक्नोलॉजी। तो आपको देख आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कि सारी डिटेल्स वही सेम टू सेम है, और मेरी अर्निंग जो यहाँ पे आप लोग को दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए 16,000 रुपये जो मेरी है क्रेडिट हुई है। तो मैंने आपको दिखाई 16,000 रुपये है, बाकी अर्निंग क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी गाइज,
हाँ एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो ऑनलाइन SBI है वहाँ पे आप ओनली 10 ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा जो है 16,000 रुपये और उससे पहले मेरा 6,000 रुपये हुआ था, उस टाइम में मैं कम ध्यान दे रहा था, तो लगभग 22,000 रुपये की जो मेरी अर्निंग है वो सिर्फ हुई थी मेरी एक वीक में, ठीक है। और अभी आज है संडे, तो जो अभी ट्यूसडे आने वाला है उस दिन मेरे अकाउंट में लगभग 22 से 25,000 रुपये की अर्निंग आने वाली है। मैंने आप लोगों को लाइव यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का प्रूफ दिखा दिया। तो यार जो अभी आपने देखा मेरे बैंक अकाउंट का प्रूफ जो कि सिर्फ 7 दिन का है, और आपको मैंने दिखाया कि लगभग 22,000 रुपये का जो है वहाँ पे अर्निंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने मेरे मीशो अकाउंट में देखा, वहाँ पे लगभग मेरा 85,000 रुपये की अर्निंग है, जो कि हर वीक मेरे अकाउंट में लगभग 20 से 25,000 रुपये की अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली मीशो से ट्रांसफर होता रहता है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे बात करता हूँ कि ये कौन सा तरीका था, मैंने कैसे इतनी अर्निंग की और आप सब भी कैसे इससे इतनी सारी अर्निंग कर सकते हो, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो जो ये सभी आपने अर्निंग देखी, जो चीज़ें देखी, वो सारी मैंने की हुई है मीशो ऐप से। अब आप सब शायद जानते होंगे मीशो ऐप के बारे में या फिर नहीं जानते होंगे, तो चलिए मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ कि मीशो ऐप क्या है और इसे मैंने कैसे अर्निंग की और आप भी कैसे इससे इतनी अर्निंग कर सकते हो। कम से कम आप लोग इससे कम से कम 30 से 40,000 रुपये की अर्निंग मंथली कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बस जो कमी है वो है आपके अंदर कि आप काम करोगे या नहीं करोगे मीशो प्लेटफॉर्म से। और शायद आप जानते होगे मीशो प्लेटफॉर्म के बारे में, और अगर नहीं जानते तो सिंपल सा आइडिया ये है कि अगर आप करना चाहते हो अपना बिजनेस और नहीं आपका इतना पैसा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, तो मीशो एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आप यहाँ पर लाखों तक की अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है और आपका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रोज़ के 2 से 4 घंटा निकाल के इस पर टाइम दे सकते हो, इस पर काम कर सकते हो, मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि आप इससे लाखों रुपए की अर्निंग मंथली कर सकते हो, जबकि अगर मैं 2-4 घंटे देख के इतनी अर्निंग कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं, चलते हैं मीशो ऐप पे, देखते हैं कि आपको कैसे अर्निंग करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे सारी चीज़ यहाँ पे काम करती है, फिर हम देखते हैं बाकी और कुछ डिटेल्स को। गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मीशो ऐप को ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसमें अपना अकाउंट या फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन या साइनअप करना पड़ेगा। जैसे आप साइनअप कर लोगे फ्रेंड्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ यार, जब मैंने पहली बार ये ऐप देखा था, इसको ओपन किया था, तो मुझे लगा यार इससे भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं क्या, मतलब देख के बिल्कुल लगा ही नहीं कि इससे भी कुछ अर्निंग पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आप थी ऐसी मुझे देख के भी लगा यार इससे कुछ अर्निंग नहीं हो पाएगी। बट यकीन मानो, जब मैंने इसको ट्राई किया तो रिस्पॉन्स जो होता है ना, जो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आता है यार, वो बहुत ही कमाल का था। और वो कैसे था और मैंने इससे इतनी अर्निंग कैसे की और आप कैसे कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली आपको ओपन करना है, इसके अंदर आपको अपना अकाउंट नंबर या फिर फ़ोन नंबर डाल के साइन अप कर लेना है और आपका अकाउंट इसके अंदर बन जाएगा। पहले इसके अंदर बात करते हैं कि मैंने इतनी अर्निंग कैसे की और आपको इतनी अर्निंग कैसे करनी है। देखिए गाइस, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखते हो ना, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको कलेक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको बेस्ट मैंस वियर, टॉप्स वियर, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, फैशन के हर एक तरह का सामान, इनफ कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सामान जो चाहिए होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप कोई भी यहाँ से बाय या सेल कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना जो है अपनी चीज़ को डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन जो काम ये होता है आप रिसेलिंग का होता है कि आप यहाँ से सामान को बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आता हूँ अपने होम पे, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरे सामने यहाँ पे एक सामान आया हुआ, प्रोडक्ट आया हुआ है, ये जो घड़ी आप देख रहे हो इस टाइम मेरी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज़, यानी कि 84 रुपये का है। और आप लोग देखो घड़ी की क्वालिटी कितनी कमाल की है। तो यार ये बात, और अगर आप इसी घड़ी को जाके फ्लिपकार्ट या कहीं और देखो तो वहाँ पे ये सामान जो है लगभग 300 से 400 रुपये का है। आपको फ़ायदा यहाँ पे क्या मिलता है, आप यहाँ पे COD कर सकते हो, यानी कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। आपको 7 दिन का जो यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप रिटर्न भी करवा सकते हो, रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो, आपको डिलीवरी की सारी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे, अर्निंग कैसे होती है। तो जैसे आप कोई सामान प्रोडक्ट देखते हो, ठीक है, आप या तो अपना एक फेसबुक पेज बना लो, फेसबुक ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, कुछ भी बनाओ, आप अपना एक वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स साइट बनाओ, वहाँ पे आप सारी चीज़ों को लिस्ट कर दो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो करना है करो। लेकिन या फिर आप क्या करो, इन चीज़ों को जो आपको प्रोडक्ट दिखता है सस्ते में दिखता है ये, क्योंकि ये घड़ी आपको कहीं और चेक करो वहाँ पे 300-400 रुपये का है, मैंने खुद चेक किया है, और यहाँ पे ये है सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर आप इसे मान लो किसी को व्हाट्सएप आप शेयर करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको दीजिएगा शेयर का बटन, दीजिएगा आप यहाँ से किसी को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। क्या क्या शेयर करना, आपको फोटो शेयर करना है, टेक्स्ट शेयर करना है, वो आप शेयर कर सकते हो। उस बंदे को खाली फोटो ही जाएगा, जो ये सारी चीज़ें लिखी है वो उसको नहीं जाएगा, वो सिर्फ फोटो जाएगा उसको, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि हाँ उसको ये पसंद आ गया, तो क्या करना होता है, आपको यहाँ पे उसके लिए ऑर्डर करना होता है। जैसे यहाँ पे 84 रुपये का लिखा हुआ है, ठीक है, तो
आपको क्या करना होता है, आपको अपना प्रॉफिट निकाल के इसको सेल करना होता है। यानी कि मान लो 84 रुपये का है और मैंने उस बंदे को फोटो भेज दिया, या फिर मान लो कोई फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है, उसको आपने फोटो भेज दिया और उसको ये घड़ी पसंद आ जाती है, वुमेन की घड़ी है, तो वो अगर बोलेगी या बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है मेरे लिए ऑर्डर कर दो, तो आपको क्या बताना है उसको, या फिर आपको दिखाना है ये कि हाँ ये घड़ी मैंने ऑर्डर कर दी तुम्हारे लिए, और आपको प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, पहले अपना पिन कोड डालो, यहाँ पर जो भी आपको पिन कोड हुआ आप यहाँ पर डालो, ठीक है, चेक कर लो कि हाँ ये है कि नहीं है इस चीज़ पर। हाँ कह रहे इसको यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइज सेलेक्ट करना है, साइज जो भी हो, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, आपको क्वांटिटी 1-2 कितना रखना है, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये आपके कार्ट में जिसको ऐड कर देगा, आप यहाँ बटन पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ ऑफ ऑनलाइन और पेटीएम पे, कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे आपको वो कर सकते हो। यहाँ पे अब देखो क्या होता है, जो सामान आपको कहीं और 400 को मिल रहा है वो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 या 100 रुपये में आप इसको खरीद के किसी और को बेच सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने मान लो कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, ठीक है, जो बंदा है उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्राइस इतना है, शिपिंग चार्ज इतना है, टोटल मिला के इसका प्राइस है वो बन रहा है 119 रुपये। आप क्या करो, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दो, कैश ऑन डिलीवरी कर दो, क्योंकि मान लो वो जो सामने वाला बंदा है वो आपको बोले कि भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है यार, तू क्या पता कितने का सामान खरीद रहा हूँ, मुझे कितने का बेच रहे हो, तो उसको ये नहीं लगे आप उसके फ्रॉड कर रहे हो, तो उसको आप कैश ऑन डिलीवरी कर देना, ताकि उस बंदे को जब सामान मिलेगा तभी वो पैसे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दीजिएगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना जो है सेंडर का डिटेल्स है, जो कि मान लो भेज रहा है या फिर जो ले रहा है उसका आपको डिटेल्स यहाँ पर सेंड कर देना है, उसका फ़ोन नंबर और जो भी चीज़ है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि फाइनल अमाउंट, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करो यहाँ पे दिखाई देगा कि एंटर फाइनल अमाउंट टू कलेक्ट, यानी कि जो बंदा घड़ी लेके जाएगा उस आदमी के पास जिसका आपने एड्रेस डाला है, मान लो कोई है आपका फ्रेंड उसको घड़ी खरीदना था, ठीक है, आपने उसका एड्रेस डाल दिया, तो जो इसका मीशो का कंपनी का जो बंदा है वो जब वहाँ पे जाएगा तो वो उस बंदे से कितना पैसा लेगा, कितना उसको बोलेगा, तो आप यहाँ पे जितना चाहो उतना बोल सकते हो। मान लो 119 रुपये का है, मुझे अपना प्रॉफिट लेना है 50 रुपये, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा 170 रुपये। यहाँ पे दिखाई देगा कि योर मार्जिन 51 रुपये, यानी कि अगर मैं इस सामान को 170 रुपये में बेचता हूँ उसमें 51 रुपये मेरा होगा, 119 रुपये में जो है कंपनी सामान खरीद के बेचेगी और सारा मेरा किस तरीके से होगी। आप यहाँ पे प्लीज ऑर्डर पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कोई भी सामान जो है उस पर आपको 50 रुपये का डिस्काउंट आपको डायरेक्टली यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, रेफरल बोनस में आपको 50% डायरेक्टली यहाँ मिलने वाला है। उसके बाद ये जो है अमाउंट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जिस बंदे का आपने एड्रेस डाला था उसके एड्रेस पर ये पहुँच जाएगा। इसको आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हो क्लिक करके कि यहाँ पर कब कब पहुँचेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। होम में जाकर यहाँ पर ऑर्डर्स पर क्लिक करोगे यहाँ पर दिखा देगा कि ये वाला जो हमने घड़ी अभी ऑर्डर किया था ये वाला ऑर्डर कब कब कहाँ कहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हो, और मान लो कि वो चाहिए अगर उस बंदे को पसंद नहीं आता है, वो बोलता है कि भाई हमने कुछ और देखा था, हमें कुछ और मिल गया, तो आप उसके लिए इस ऑर्डर को यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर को कैंसिल करने का, यहीं पे रिटर्न करने का ऑर्डर ऑप्शन मिल जाता है, आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे यहाँ पे और चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही जो मीशो कंपनी वो दावा करती है अगर आपको इससे सस्ता सामान कहीं और मिल जाता है तो ये आपका पूरा पैसा आपको रिफंड कर देगी, साथ में आपको सामान भी फ्री में ये देने वाली है। उसके अलावा आप देखो यहाँ अपने जितना आपने कमा लिया, ठीक है, मान लो आपने 1000 रुपये कमा लिए या फिर 500 रुपये कमा लिया, ठीक है, ऐसे ही क्या करना है आपको, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करो, यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे माय बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स जो है डाल देना है, ठीक है, यहाँ मैंने अपना डाल दिया, आपको भी अपना यहाँ पर डाल देना है, जो पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। और आप ध्यान रखना बैंक अकाउंट डिटेल्स आप सही डालना। आप यहाँ पे इन कंपनी को कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके सारी बातें कर सकते हो, आप यहाँ पे इनको मेल भी कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे रेफंड अन भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको माय पेमेंट्स भी दिख जाएगा कि मैं पेमेंट्स कितना कितना है, कैसे कैसे है, क्या क्या है, सब आपके यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, यहाँ पे आपको हेल्प का भी दिख जाएगा कि यहाँ पे मीशो क्या है, कैसे इसे अर्निंग करना है, कलेक्शन दिख जाएंगे आपको, सारे सामान यहाँ पे दिख जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर जीन्स शर्ट टी शर्ट सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि मान लो आपने इसको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आप मेरी तरह अर्निंग कैसे करोगे, यानी कि आपको बहुत सारा सामान कैसे बेचोगे आप, क्योंकि मैंने जो अर्निंग की आपको सिंपल सी बात है, मैंने काफ़ी सारा मीशो से सामान का बेचा है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो वो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हो, आप जो है अपना एक फेसबुक पेज या फिर अपना एक ग्रुप बना सकते हो या फिर कोई और चीज़ जहाँ पे आप डेली के डेली सामान को पोस्ट करोगे और मान लो किसी को पसंद आता है, या फिर आप क्या कर सकते हो आपके जो आसपास में है कांटेक्ट में लोग हैं जो भी लोग हैं उन सभी को आप बताओ कि देखो ये सामान इतना यहाँ पे मिल रहा है, इतना यहाँ का यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना खुद प्लानिंग करना पड़ेगा आप कैसे कैसे बेचोगे। मैंने हालांकि बहुत सारी चीज़ यूज़ की थी, लोगों को पहले डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया, तो उनको मैंने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया, मेल पर कॉन्टैक्ट किया, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया, साथ ही मैंने एक साइट थी वहाँ पर मैंने लिस्ट किया था ये सामान इतने कितने का मिल रहा है, तो लोगों ने ऑर्डर किया, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर COD वगैरह का सारा ऑप्शन दिया था, तो इस तरीके सारी चीज़ जो है पॉसिबल हुई, इतना ज़्यादा मेरा अर्निंग हुआ था। मेन काम ये है कि आपको बस इसको
लोगों तक पहुंचाना है, सामान को बिकवाना है और अपना प्रॉफिट निकालना है, अपना मार्जिन निकालना है। तो ध्यान देना, जो आप मार्जिन रखोगे वो आपका प्रॉफिट होगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है अर्निंग करनी है। ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आपको ज़्यादा माइंड यूज़ करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है सामान को, ज़्यादा लोगों तक इस सामान को बिकवाना है, तब जाकर आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा होने वाला है। तो इस तरीके से मैंने कुछ यूज़ किया था, तभी मेरी जाकर इतनी अर्निंग हुई है। तो आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने आपको लोग को दिखा दिया मेरी अर्निंग कितनी कितनी हुई थी, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप लोग आगे वीडियो देखो, समझो चीज़ों को और अर्निंग करो, ठीक है। बाकी इतनी ही था। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपकी फुल हेल्प करूंगा। बाकी आप अपने कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो देखो आप वीडियो बाकी। तो यार देखा आप सबने कि कैसे आपको इस मीशो पे काम करना है, कैसे यहाँ से अर्निंग करनी है और कैसे मैंने इतनी सारी अर्निंग की है, सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और आपको सबसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको ज्वाइन करो, अर्निंग करो, यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कहोगे हम मीशो प्लेटफॉर्म पर काम क्यों करेंगे, यार ये चाहती है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो होलसेल रेट पे मिलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट यही है। और खास करके मीशो वाले जो है वो दावा करते हैं कि अगर आपको इनसे सस्ता सामान कहीं और किसी और साइट में मिल जाता है तो ये लोग आपका पूरा रिफंड कर देंगे, साथ ही में आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी COD, आपको जो है 7 डेज रिटर्न का ऑप्शन, सारी चीज़ें मिल जाती है। काम आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्राहक या फिर कस्टमर को लेके आना है, प्रॉफिट लेना है और आपका काम खत्म, सिर्फ इस तरीके के ही है। और बाकी जो क्वालिटी होती है, चीज़ें होती है, वो बहुत बढ़िया होती है। बाकी अगर आप किसी कस्टमर को कुछ पसंद नहीं आता है, कोई सामान पसंद ना आया, तो वो इसको रिटर्न करवा सकता है, कैश ऑन डिलीवरी पे सामान ले सकता है, आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग ज्वाइन करो, इसे अर्निंग करो। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।